Hello friends, welcome to our channel Madhyamik Math Class 10. This session will be the continuation of the previous two sessions in which we have discussed the voice. This is the part 3 of this lecture. Previously we have discussed how to change act from active voice to passive voice in different tenses. In first part we have discussed about present tense, and in second part we have discussed about past tense. Now in this session we will discuss about the future tense, in which how to change the active from active to passive voice in two different types of future tense, that is future indefinite and future perfect. Okay, hello friends, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में जो है वॉइस के ऊपर. ये हमारा पार्ट थ्री है. पार्ट वन एंड पार्ट टू में हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं और कैसे पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सी द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, आफ्टर दैट सी दिस वीडियो, बिकॉज देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड फुल्ली. दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस as far as English is concerned, because in CHSL, CGL and BANCP also, many competitive exam, these types of voice tense questions are very much important. Before you move on, I would like to request you to please subscribe my channel, that is Madhyamik Math Class 10. This channel is basically for the helping the Madhyamik candidates of West Bengal students, where I have solved all the questions regarding your mathematics books. You can see here I have made a playlist, not only your mathematics books, but also here you can see that your textbook analysis is also there. And in other playlist you can see here that I have discussed about English grammar also, and in this video also we will discuss about English grammar. So if you find this channel very helpful, then you can subscribe our channel and click on the bell button, so that in future when I upload any video you can get notification for that. Okay, main aap sabhi ko रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल जो है माध्यमिक मैथ क्लास 10 जो है वेस्ट बंगाल के सभी विद्यार्थियों के लिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए. और मेरे पिछले वाला वीडियो में मैं मैथमेटिक्स का और आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक का बहुत सारे सॉल्व किया हूँ. इधर मैथमेटिक्स तो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया, अभी इंग्लिश टेक्स्ट बुक और ग्रामर कर रहा हूँ. ये सभी वीडियो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नया लेसन. दोस्तों मैंने इधर कुछ एग्जाम्पल लिखा है, ये सभी मैंने इंटरनेट से कलेक्ट किया है. ये मेरा खुद का बनाया हुआ एग्जाम्पल नहीं है, ये मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा. आप भी इंटरनेट में सर्च करके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो मैं इधर बोलना क्या चाहता हूँ कि आज मैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव होता है ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट देखेंगे क्या 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 है सेंटेंस. शी विल साइन दीज पेपर्स. सो थोड़ा सा मैं रिकअप कर देता हूँ. अपने अगर मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद है अभी तक कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसको हम पहले आइडेंटिफाई करना है कोई भी सेंटेंस में, और उसके बाद क्या करना है, पैसिव में जाने के लिए वाइस वर्सा कर देना है. इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो आएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ये हमारा फर्स्ट काम है. ठीक है, इसके बाद क्या करना है, वर्ब को हमें देखना है कि कौन सा वर्ब है. इधर देखिए ये विल साइन ये वर्ब है. ओके, सो वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंग टू द टेंस हमको चेंज करना है. वो फ्यूचर इंडिफिनिट में कैसे चेंज होगा ये हम देखेंगे. उसके बाद तो बाकी काम हो गया. सो शी विल साइन दिस पेपर. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है दीज पेपर्स, इसको हम पहले लिखेंगे दीज पेपर्स. ठीक है, अब फिर शैल और विल में से सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम कुछ इसको डालेंगे. दिस पेपर्स विल नाउ, एक हम बी ऐड करेंगे विल बी. ओके, नेक्स्ट वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है पैसिव में, हर वक्त वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस पेपर्स विल बी साइंड बाय, अब शी हो जाएगा क्या, हर. By now you have got to know that
how to change the pronouns. Okay, so these papers will be signed by R. This is the answer of this active voice to passive voice. Now I shall make a table. Here also you have to first identify the subject and object. Here it is the subject and a table it is the object. So I will put a table first. Okay, so object ko maine subject bana diya. A table. Ab idhar I hai, iske liye shall use hua hai. A table ke sath will use hota hai. Ye aapko pata hai. A table will now be. Now verb kaun sa hai? Make, main verb. Usko hum third form mein likhenge. Made. Next by. I ho jayega me. So agar hum ek ruling banana chahe to kya karenge? First aa raha hai subject. सब्जेक्ट मतलब जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो आ रहा है सब्जेक्ट में, प्लस क्या आ रहा है शैल बी और विल बी, प्लस कौन सा आ रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस एक बाय, प्लस क्या आ रहा है वो ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा स्ट्रक्चर है. अभी हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका सिंपल होता जाएगा. सो शी विल टेक डिनर एट 9 PM. यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये हमारा सब्जेक्ट शी. ऑब्जेक्ट कौन सा है? एट 9 PM नहीं, ऑब्जेक्ट है ये डिनर, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट. सो हम डिनर को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे. डिनर नाउ विल बी, उसके बाद मेन वर्ब कौन है टेक, उसको क्या करेंगे टेकन. डिनर विल बी टेकन बाय, अभी शी को कैसे चेंज करना है हर. ओके, एट 9 PM डिनर विल बी टेकन बाय हर. सॉरी ये हर स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया. डिनर विल बी टेकन बाय हर एट 9 PM. ओके, नेक्स्ट द टेलर विल ऑल्टर माई शर्ट टूमोरो. इधर भी सब्जेक्ट कौन सा है? द टेलर. और वर्ब कौन सा है? विल ऑल्टर. और ऑब्जेक्ट कौन सा है? माई शर्ट. ओके, सो इसको हम क्या करेंगे? माई शर्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे. नेक्स्ट विल बी. ओके, नाउ मेन वर्ब कौन सा है? ऑल्टर. इसको हम ऑल्टर कर देंगे. कैसे? नाउ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. Altered. My shirt will be altered by the tailor. Sorry, tailor tomorrow. Okay. My shirt will be altered by the tailor tomorrow. ये हो गया हमारा passive में. अभी next sentence आप खुद कर सकते हैं. She will not allow. अच्छा, ये negative sentence है. Not है इसलिए. So, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम क्या करेंगे? अच्छा देखिए, पहले सेंटेंस को बढ़ते हैं. शी विल नॉट अलाउ हर मेड टू क्लीन हर रूम इन हर एब्सेंस. सो ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, तो इसमें भी कोई बात नहीं है. फर्स्ट हमको वी हैव टू स्टिक टू द रूल. सो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट को पहले? हर मेड. ओके, नेक्स्ट विल आ जाएगा. अभी नेगेटिव है इसलिए विल नॉट बी हो जाएगा. ठीक है, कुछ नहीं, हम पहले भी देख चुके हैं पिछले वाला वीडियो में कि नेगेटिव सेंटेंस में जो ये बीच में कुछ नॉट आ जाता है. ठीक है, सो हर मेड विल नॉट बी. अभी मेन वर्ब कौन सा है? अलाउ. उसको हम क्या कहेंगे? अलाउड. हर मेड विल नॉट बी अलाउड बाई हर. ओके, शी हो जाएगा हर. अभी ये पूरा वाला हम लिख देंगे. टू क्लीन हर रूम इन हर एब्सेंस, ये पूरा लास्ट में आ जाएगा. ओके, तो अगर कोई बड़ा सेंटेंस मिल गया आपको, उसको देख के आपको घबराना नहीं है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है. वी हैव टू जस्ट स्टिक टू द रूल्स. सो आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, और वर्ब कौन सा टेंस में है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एंड द रिमेनिंग पोर्शन यू विल राइट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस.
That's all. Okay. Now, next is she will not be she will not believe her maid. So here also you can identify that this is the she. This is the subject. Okay. And object is her maid. So you will write her maid. Now इसके साथ will आ जाएगा. अभी ये negative है. So not लगाएंगे. एक be add करेंगे. Believe main verb है. उसको हम third form में लिखेंगे. Believed. Her maid will not be believed by her. Okay. Her maid will not be believed by her. नेक्स्ट क्या है? Will he abuse anybody? अभी ये क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे करते हैं? ये हमने पहले भी देखा है. एक स्टेप ज्यादा करना है. क्या करना है ना, हम पहले इसको अफर्मेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट में लिखेंगे. सो विल ही अब्यूज एनीबॉडी. सो इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट में डालेंगे. ही विल अब्यूज एनीबॉडी. ठीक है. अभी इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. ठीक है. अभी पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, अभी ये सब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट. सो एनी बॉडी पहले आ जाएगा सब्जेक्ट बन के, उसके साथ विल, उसके साथ बी अब्यूज का थर्ड फॉर्म. एनी बॉडी विल बी अब्यूज्ड बाय हिम. ठीक है. ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में. अभी क्या करना है, अभी हमको ये विल को पहले लिखना है क्योंकि इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना है. सो विल एनी बॉडी बी, सो विल भी पहले नहीं आएगा, जस्ट ओनली विल आ जाएगा. ठीक है. विल एनी बॉडी बी अब्यूज्ड बाय हिम. ठीक है. ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में. विल एनी बॉडी बी अब्यूज्ड बाय हिम, ये हमारा जो पहला वाला सेंटेंस दिया था इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसका पैसिव वॉइस में. सो फर्स्ट हम क्या किया, हमने किया अफर्मेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट में बदल दिया. स्टेटमेंट को हमने पैसिव वॉइस में डाल दिया. अभी पैसिव वॉइस में से क्या किया ना, हमने वो ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको पहले ले गया, आ गया. वो पिछले वाला वीडियो में हमने देखा था कि ऐसे ही करते हैं. नेक्स्ट शी विल डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट्स टू हर ब्रदर. सिंपल सा है, इससे पहले जो हमने किया था. इसमें भी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना है. सो ये हमारा सब्जेक्ट शी विल, शी अच्छा, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑल द सीक्रेट्स ऑफ हर ब्रदर. ये पूरा अभी ऑब्जेक्ट हो गया. क्यों, ये अगर ऑफ हर ब्रदर को अलग से छोड़ देंगे तो इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं आता है. इसीलिए ये पूरा ऑल द सीक्रेट्स ऑफ हर ब्रदर, किसका सीक्रेट, उसके ब्रदर का सीक्रेट. सो ऑल द सीक्रेट्स ऑफ हर ब्रदर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. सो हम इसको पहले लिखेंगे ऑल द सीक्रेट्स ऑफ हर ब्रदर. अभी क्या आ जाएगा, विल, उसके बाद बी. अभी मेन वर्ब कौन सा है, डिस्क्लोज, उसका हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे डिस्क्लोज्ड. All the secrets of her brother will be disclosed next by, अभी she हो जाएगा her. ठीक है. अभी last sentence ये आप खुद करेंगे, मैं नहीं करके दूंगा. मैं subject और object identify करके दूंगा, आपको खुद change करके comment में लिखना है. So I will reward my family for making me proud of them. So ये तो subject कौन सा है, I. Okay, verb कौन सा है, will reward. अच्छा, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, माई फैमिली. अभी ये इसको हम लास्ट में लिखेंगे. ठीक है, फॉर मेकिंग मी प्राउड ऑफ देम. ठीक है. सो माई फैमिली विल बी रिवॉर्डेड बाई मी फॉर मेकिंग मी प्राउड ऑफ देम, ये लास्ट में आ जाएगा. ठीक है, मैंने आंसर बोल दिया, आप खुद भी लिख सकते हैं. तो ये रहा हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का, कैसे एक्टिव से पैसिव होता है. ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ. अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, और अगर कुछ और आपको इसके बारे में जानना है तो भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं मेरे कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कोई इस्तेमाल पैसिव वर्ब्स में नहीं होता है.
ठीक है, ज्यादातर इस्तेमाल हम नहीं करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस में. सो हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट. यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल कलेक्ट किया है, वो सब इंटरनेट से ही मैंने डाउनलोड किया है. ठीक है, आप भी कर सकते हैं, मेन चीज है समझना. सो अवियन विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क. ठीक है, इधर भी सेम ही है, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन सा है, ओके, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है. सो इधर है हिज होमवर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. सो इसको हम पहले लिखेंगे, ये तो यूनिवर्सल रूल है, सब टेंस में करना ही है. हिज होमवर्क आ गया. अभी विल हैव, ये हमारा वर्ब है ना. सो विल हैव को हम क्या करेंगे, विल प्लीज रिकॉल द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने देखा था कि हैज और हैव रहता है, उसके बाद पैसिव में ये रहता है एक्टिव में. पैसिव में क्या कर रहे थे हम लोग, पैसिव में कर रहे थे उसको हैज बीन और हैव बीन. सेम भी इधर ही करना है, जस्ट इसको विल जो है विल को रखना है. ओके, तो ही सो हिज होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, क्योंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट में हर समय वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. सो हिज होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय ये अवियन. ओके, सो इसको हम अगर रूल में डालेंगे तो यही आ जाएगा रूल. पहले जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो तो है, ये इंटरचेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बन जाता है और ये सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये तो होना ही है हर वक्त. ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद विल हैव बीन यूज कर रहे हैं. नोटिस कीजिए, विल के बाद हैज नहीं होता है. ठीक है, विल के बाद ऑलवेज हैव ही होता है. सो विल हैव बीन आ रहा है एक, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वो तो ऑलरेडी इधर है क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसके बाद बाय यूज कर रहे हैं, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का मामला है ये इसको डाल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, वर्तिका विल हैव इनवाइटेड यू ऑन हर बर्थडे. सो इधर भी ऑब्जेक्ट कौन सा है, यू ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और ये सब्जेक्ट है. सो यू पहले आ जाएगा, नेक्स्ट विल हैव बीन इनवाइटेड, यू विल हैव बीन इनवाइटेड बाय वर्तिका ऑन हर बर्थडे. ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा. नेक्स्ट, यू विल हैव स्विच्ड ऑन द लाइट. सो इधर भी क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना है. सो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द लाइट आ गया पहले, द लाइट. नेक्स्ट विल, नेक्स्ट हैव, एक बीन आ जाएगा, द लाइट विल हैव बीन स्विच्ड ऑन बाय ही हो जाएगा हिम. द लाइट विल हैव बीन स्विच्ड ऑन बाय हिम. नेक्स्ट, दे विल हैव डेकोरेटेड द हाउस फॉर आवर वेलकम. सो इधर भी ऑब्जेक्ट कौन सा है ये देखना है, द हाउस. ठीक है, सो ये पहला आ जाएगा द हाउस, द हाउस. नेक्स्ट विल, नेक्स्ट हैव, नेक्स्ट बीन. अभी डेकोरेटेड तो डेकोरेटेड ही है क्योंकि थर्ड फ्लोर में ऑलरेडी है. द हाउस विल हैव बीन डेकोरेटेड बाय देम. अभी ये फॉर आवर वेलकम इधर आ जाएगा. ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अभी समझ में आ गया है. सो ये नेक्स्ट जो दो है इसको आपको खुद करना है. ठीक है, अगर मैं करके दूंगा आप देखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, आपको खुद इसको प्रैक्टिस करना है. शी विल हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम. इसको भी आप ठीक से लिखिए, मेरे कमेंट में डाल दीजिए, मैं चेक करके बोल दूंगा कितनों ने ठीक किया है. नेक्स्ट, अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. क्या बोल रहे हैं, विल द मंकीज हैव डैमेज्ड आवर प्लांट्स. सो इसको भी क्या करेंगे ना, जैसे कर रहे थे, फर्स्ट हम इसको अफर्मेटिव और स्टेटमेंट में लिखेंगे. सो स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा,
ये विल इधर आ जाएगा, द मंकीज विल हैव डैमेज्ड आवर प्लांट्स, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सो इसको हम पहले लिखेंगे, सॉरी अभी इधर लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा सेकेंड स्टेप है। आवर प्लांट्स विल हैव बीन डैमेज्ड बाय द मंकीज, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, ये विल को पहले लिख के आएंगे। सो ये क्या आ जाएगा, विल आवर प्लांट्स हैव बीन, उसके बाद डैमेज्ड बाय द मंकीज, ये इधर आ जाएगा। विल आवर प्लांट्स हैव बीन डैमेज्ड बाय द मंकीज, ये आ जाएगा। सो जस्ट ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, विल यू नॉट हैव जॉइंड अगेन इंग्लिश क्लासेस। सो विल यू नॉट हैव जॉइंड अगेन इंग्लिश क्लासेस, इधर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये, देखिए इधर इंटरोगेटिव भी है क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव भी है, नॉट है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल ये इसको हम पहले लिखेंगे स्टेटमेंट की तरह, यू विल नॉट हैव जॉइंड अगेन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। अभी इसको हम पैसिव वॉइस में डालेंगे, सो फॉर दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हियर इट इज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश क्लासेस, ओके दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो इंग्लिश क्लासेस विल कम हियर, इंग्लिश क्लासेस विल नॉट हैव, अभी ये बीन आ जाएगा, इंग्लिश क्लासेस विल नॉट हैव बीन जॉइंड अगेन बाय यू, हो गया, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट का। अभी क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटरगेटिव बनाना है, क्योंकि इधर इंटरगेटिव सेंटेंस है। सो हम क्या करेंगे, जस्ट विल को पहले लेके आएंगे, विल इंग्लिश क्लासेस नॉट हैव बीन, ठीक है, नॉट हैव बीन जॉइंड अगेन बाय यू, विल इंग्लिश क्लासेस नॉट हैव बीन जॉइंड अगेन बाय यू, ये हो गया हमारा पैसिव में। सो तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस अगर कुछ बड़ा हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें जस्ट एक ही काम करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है दोस्तों। अभी तक आप समझ गए होंगे, सो इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो में मैंने जो भी सिखाया वो सीखने में आया होगा। अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपको कुछ काम में आया तो आपकी आंखी की तरह किसी और को भी ये काम में आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडल का कैसे हम एक्टिव से पैसिव में डालते हैं। मॉडल आपको पता है कौन सा है, कैन, मे, माइट, वुड, माई, शूट, शैल, ये सभी है मॉडल। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कैसे इसको एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब में डालते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो आशा करते हैं आप सभी मेरे पिछले नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।